So our question is, on a manufacturing unit, it was noted that the price of the raw material has increased by 25% and the labor cost has gone up from 30% of the raw material, 30% of the raw material to 38% of the raw material. What percentage of the consumption of raw material is to be reduced to keep the cost same as the before the increase? मतलब ये कि एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसमें जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है वो 25% का इंक्रीज हुआ है, अब जो लेबर कॉस्ट था वो 30% था कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल का, मतलब अगर कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल अगर 100 है तो लेबर कॉस्ट था 30, लेकिन अभी 38% हो चुका है कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल से, मतलब अगर अभी कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल 100 होगा तो जो लेबर कॉस्ट है वो 38 है, तो अभी सवाल में दिया है व्हाट परसेंटेज ऑफ द कंजप्शन ऑफ द रॉ मटेरियल इज टू बी रिड्यूस टू कीप द कॉस्ट सेम एज द बिफोर द इंक्रीज, और ये सवाल सीजीएल 2021 11 अप्रैल सिर्फ 3 में आया हुआ है क्वेश्चन के लिए, हम क्या करेंगे एलिगेशन लगा देंगे रॉ मटेरियल और लेबर कॉस्ट, ये ओल्ड करते हैं और यहाँ पे तो अगर पहले का अगर हम रॉ मटेरियल है उसको 100 मान लेते हैं तो अभी जो रॉ मटेरियल का प्राइस होगा वो 125 होगा, और यहाँ से 30% था, यहाँ पे सवाल में दिया होगा ना 30%, तो यहाँ से अगर 100 का 30% कितना होगा 30, और अभी जो नया होगा वो 38% होगा कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल का, तो 125 का अगर हम 38% लेंगे तो पहले 100 का 38 पकड़ लेते हैं तो उसका कितना होगा 38 प्लस 25 का अगर हम 38 निकालेंगे तो 9.5 होगा, तो टोटल कितना होगा 47.5, तो यहाँ से अगर देखेंगे तो टोटल जो कंजम्पशन हो जाएगा यहाँ पे हमारा टोटल कंजम्पशन ये तो 130 है, और जो नया वाला कंजम्पशन हो जाएगा वो हो जाएगा 0.5724 2 6 और 1 7 तो 172, तो अभी कंजम्पशन कितना डिक्रीज करना पड़ेगा, करना पड़ेगा 172.5 माइनस 130 बटे में 172.5 100, इतना कंजम्पशन डिक्रीज करना पड़ेगा, इसको अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो उसका कुछ आएगा 24.63 अराउंड, तो ये होगा हमारा ऑप्शन में ऑप्शन डी। थैंक यू।